नमस्ते, कैसे हैं आप लोग आए? होप के बहुत अच्छे हो। सर्दी कड़ाके की पड़ रही है बहुत 2021 में। मतलब अपन ने मस्त एकदम घर पे टोपी ओपी पहन रखी है, क्योंकि रोज ना एकदम से शेक होते हुए वीडियो बना लेते हैं सर्दी है पर मुझे भी थोड़ा सा हॉट लगना है, तो मैं फिर नहीं पहनती हूँ जैकेट या कोई स्वेटर वगैरह। बट आज नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह खराब होने का रिस्क नहीं लेना चाहिए 2021 में। भैया ठान लो ये सब के तुम भी ना अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखोगे। तो अभी मैं रिएक्ट करूंगी दम है सॉन्ग पे बाय कृष्णा, कलमकार चैनल पर ये डला है। इस पे आई एम रिएक्टिंग बिकॉज रिक्वेस्ट्स की वजह से, बहुत ज्यादा नहीं, दो चार रिक्वेस्ट आई पर वो ऊपर ही ऊपर आ गई, तो मैंने कहा ठीक है जी आज इस पर रिएक्शन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा होगा गाना, एक्सपीरियंस करते हैं, सुनते हैं। तब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, स्टार्ट करते हैं। ओके, 4 मिनट का गाना, लिसन कैसा होगा। दम है या अब आया कौन देख, मुझे तो पता है कौन नस्ती कौन फेक, मैं सीरियो किलर तू कौन फ्लेक, स्टूडियो या ऑन स्टेज, इन्हें लेने ना दू चेन फिर भी लगे बॉन्डेज, फ्रंट पेज मैं न्यूज पे ध्यान नहीं, लिरिक्स पे रखू फोकस में। नेक्स्ट लेवल बार्स गाने के स्टार्टिंग में ही, और मालूम है ना बोलते ही हम सबको पता लग गया कि हेमिंग्वे बंटाई जी के लिए डिस है। और बॉन्डेज वाली जो अभी इनकी लाइन आई थी, किलर वॉस, मजे आ गए। पे रखूं फोकस मेरा व्यूज पे ध्यान नहीं, के जिंदगी में बादल मानसून के बाद भी मैंने मौसम बदल दिया, सीधा धूप से आंधी या 2006 से ये करा है मैंने, अब क्या बताऊं किसका जेब भरा है मैंने, गाना दिया किसको पेट भरा है मैंने, दिखा दूं इन्हें बार जैसे केस करा है मैंने, चिल कर छोटे तुझे जाना किधर, मैं गुड़गावे वाला छोरा कभी आना इधर, नाम सुना मेरा इनका कापा जिगर, जो बीफ की करे बात उनका गाना किधर, आज भी मैं करता नहीं बात ज्यादा, 14 साल की उम्र में चुना रास्ता था, मुझे जज करे जो जाने ना मेरी दास्ता का, पर अभी भी पहने गरम जैसे कल मेरा पास्ता था, हाफता था माइक पे अब सांस भी नहीं लेता, जो हेट करे मुझे उन्हें घास भी नहीं देता, अभी तो छोटे पूरा अंदाज भी नहीं देखा, मेरा लेवल इतना ऊपर मैं तो छास भी नहीं लेता या मेरी बातों में। बीफ के गेम में ना बॉस नेक्स्ट लेवल तरीके से उतरते हैं जब कृष्णा आते हैं तो, और इतनी भयंकर भयंकर बातें बता रहे हैं कि 14 साल की उम्र में ही वो लग गए थे इस काम के अंदर, तभी वो आज इस लेवल पे हैं, और उनको 16 साल हो चुके हैं इसके अंदर घुसे हुए, रैप गेम के अंदर घुसे हुए। और पहले तो भाई हाफते थे माइक पे, बट अब तो सांस भी नहीं मतलब ले रहे, एकदम फटाफट खटके से इनके रैप निकलते हैं यार। पहले से इनके साथ वो साथ भी ना दे, सांप की संगत करती ना आदमी का वे, गलती से ये मेरा नाम भी ना ले, दिन दहाड़े ले लूं इनकी करूँ रात की ना वे, साले बहुत चाली सोच कोट वाली है, पॉप लगे अब कोट वाली, बातें मेरी डोप सारी ना है नोट वाली, पर कपड़े हैं सारे ब्लैक जैसे वर्दी पहनी कोट वाली, आज भी ना कोई ज्यादा खर्चे है मेरे, खुद जिम्मेदारियां सर पे है मेरे, और मुझसे तो फैन सारे सड़ते हैं तेरे, क्योंकि यूट्यूब पर अब चर्चे है मेरे, खास मेरे पास रात तेरे तो लाख है, घास मिले तो काटे, सांप मिले तो बांसे, सांस मिले तो खास ले, पास मिले तो कांपे, कातिल है ये आंखें, आंख मिले तो चाटे, किसी की ना लोड, मैं आज भी समाया हूँ, नकीबन के जोड़ में आज भी पर आया हूँ, करना नहीं बीफ मुझसे कभी प्लीज, नहीं तो बोलोगे तुम रैप है एक सपना जो अपना बनाएंगे, अपना कमाया तो फिर अपना ही खाएंगे, शेर दोगे हड्डी उसे चबाएंगे, इन्हें दोगे हड्डी ये चूसने लग जाएंगे, मेरी बातों में तो दम है। अभी तक बहुत तगड़ा लिरिक्स चल रहा था, पूरे भयंकर मजे आ रहे थे कि भाई साहब हाँ भैया बीफ के गेम में आ गए, तो फिर इनके कृष्णा को भैया डिसमिस मत कर देना, नहीं तो बोलोगे अरे मैं डैश हूँ जो यहाँ पे आया हूँ पैराग्लाइडिंग वाले भैया की तरह। पर एंड में जब इन्होंने बोला ना कि ये तो हड्डियाँ चबाते हैं जस्ट बिकॉज ही इज अ शेर, पर उन्हें दोगे हड्डी, जिनको डिस कर रहे हैं उनकी बात करें, उन्हें दोगे हड्डी तो वह चूसने लग जाए यार। कृष्णा अब हर जगह छा रहा है, लगता है इन्हें इसी बात का तो कम है, मेरी बातों में तो दम है, दम है ना, मेरे गानों में तो दम है, दम है ना, कृष्णा अब हर जगह छा रहा है, लगता है इन्हें इसी बात का तो कम है। I'm a legend in this game, that's a fact though. If you ain't about the
action, it's a wrap, bro. No doubt what we bout, leave them all stretched out like rubber bands on our back, bro. I'm a legend in this game, that's a fact, though. If you ain't about the action, it's a wrap, bro. No doubt what we bout, leave them all stretched out like rubber bands on our back, bro. Meri baaton mein to dum hai, mere gaano mein to dum hai. Krishna ab har jagah tha raha hai, lagta hai inhe isi baat ka to kam hai. Meri baaton mein to dum hai, mere gaano mein to dum hai. Krishna ab har jagah tha raha hai, lagta hai inhe isi baat ka to kam hai. दम है इस सॉन्ग का हुक इतना तगड़ा है कि मेरी बातों में तो दम है, मेरे गानों में तो दम है. कृष्णा अब हर जगह चाह रहा है, लगता है इन्हें इसी बात का तो गम है. बहुत बढ़िया हुक है, मतलब एकदम मुंह पे बैठने वाला, सर में छपने वाला हुक है. मजे आ गए सुन के. ओके चल छोटे नाच, चल छोटे नाच, चल छोटे नाच, कोने में जाके तू नाच, कोने में जाके तू नाच. बल्ले बल्ले मेरी बातों में तो दम है, मेरे. So the song was great. बहुत मजे आए, मुझे पता है तुम लोग को भी बहुत मजे आए, मुझे भी बहुत मजे आए. एंड लिरिक्स मुझे बहुत तगड़ा लगा. बीच में जहां पे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था ना, कि बस अभी तो फ्लो व्लो गया भाड़े में, मैं रोक के बस हंसने वाली हूँ भयंकर, मैं बोलने वाली हूँ कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, तो तब मैंने रोक दिया था. बाकी आई लव द सॉन्ग, आई लव द वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ. मतलब जिस तरीके की वीडियोग्राफी थी, कोई बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं थी, बट कैमरा का एकदम यू नो क्लोज वाला जो वो होता है ना, वो वीडियोग्राफी थी इसके अंदर. और इट वॉज ग्रेट. और आज जो मैंने आउटफिट, मतलब कि क्या पहन रखी, इसमें मेरी इयररिंग्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैं दिखा दूँ आप लोगों को. मैंने मेहनत करी थी, बट मैंने कहा यार सर्दी में भी कपकपाने से कोई मतलब नहीं है निधि. वैसे भी ठीक है भाई, तू क्यूट लगेगी, तू पहनेगी ये क्या. तो मैं क्यूट लग रही हूँ क्या? अगर लग रही हूँ तो बताओ ना नीचे यार, अच्छा लगता है मुझे भी पढ़ के. बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग ना अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मतलब 1000 में से मेरे पास 990 कमेंट्स अच्छे आते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. बाकी अगर 10 कमेंट बुरे भी आते हैं तो वो चलता है यार, इतना सारा प्यार और इतनी सी नफरत, तो वो तो गायब ही हो गई ना इतने प्यार के बीच में. सो आई थिंक दैट आई रियली लव यू गाइज फॉर लविंग मी. थैंक यू सो मच. आई लव दिस रैप एंड आई एक्चुअली लव लिसनिंग रैप नाउ अ डेज मैन. मतलब जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया है, 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे स्टार्ट करे हुए, और तब से मैं पूरे टाइम यू नो एकदम रैप के फ्लो में ही रहती हूँ, हिप हॉप के फ्लो में ही रहती हूँ. सो आई एम लविंग दिस लाइफ दैट आई हैव. यही था मेरा रिएक्शन. आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के मुझे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि व्हाट एम आई डूइंग इन पर्सनल लाइफ. मतलब मैं जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ ना वहाँ पे, कि पैक्ड फूड की रियलिटी उजागर करते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. बहुत कम लोग ऐसा कॉन्टेंट बना रहे हैं, बट यू शुड जस्ट वॉच इट. और वो फनी कॉन्टेंट है, वाइन्स होती है ना जो तुम लोग को बहुत पसंद आती हैं, उसी तरीके से है वो. सो जा करके देखो उन्हें फटाफट. ठीक है, बाय बाय. दिस इज किराया रिएक्ट.